हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं श्रीमान विराट कोहली जी। उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है। उन्होंने 2-3 साल पहले इस बारे में एक इंटरव्यू दी थी कि उन्होंने दूध और दूध से बने सारे प्रोडक्ट्स लेने बंद कर दिए हैं। क्या वो सही है या गलत? दूध पीने का या ना पीने का आपकी मर्दाना ताकत पर क्या असर आएगा? आज इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, वैसे तो ये बात सही है, आयुर्वेद के अंदर भी ये बात लिखी है कि दूध हमारे शरीर के लिए बढ़िया है, अमृत है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो श्रीमान विराट कोहली जी ने दूध पीना छोड़ा है, वो इस वजह से नहीं छोड़ा कि दूध हमारे लिए हानिकारक है। उन्होंने इस वजह से दूध पीना छोड़ा है कि जो 99% दूध हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल है, अगर हम उस दूध का सेवन करेंगे तो वो हमको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, उल्टा नुकसान ही करेगा। हम जो सारे आयुर्वेद के नुस्खे आपको दूध के साथ लेने के लिए बताते हैं, वो तब बताते हैं जब आपको मर्दाना कमज़ोरी की समस्या आ चुकी है। जब तक आपको मर्दाना कमज़ोरी की समस्या नहीं आई, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरी राय ये है, मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास हिंदुस्तानी देसी गाय, जो कि बिल्कुल शुद्ध हिंदुस्तानी देसी गाय है, साहिवाल है या गीर है, उसका दूध उपलब्ध है, तभी दूध का सेवन करें। नहीं तो जो दूध आजकल हमारे इर्द गिर्द हाइब्रिड जो सारी गायें हैं, जो सारी इंपोर्टेड काउज हैं, जो 15-15, 20-20 किलो दूध देती हैं, इन काउज का दूध हमारे लिए सही नहीं। इस दूध के अंदर BCM7 नाम की एक प्रोटीन होती है जिसको हमारा शरीर हजम नहीं कर पाता। जो देसी गाय का दूध है, उसके प्रोटीन के अंदर BCM7 मौजूद नहीं होता। अगर आप देसी गाय का दूध ज़्यादा मात्रा में भी पी लेंगे तो आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। अगर आप इम्पोर्टेड गाय का दूध, जो हाइब्रिड गाय है, उसका दूध ज़्यादा मात्रा में पियेंगे तो आपको भारीपन महसूस होगा ही होगा। इसका मुख्य कारण उसके अंदर BCM7 प्रोटीन का मौजूद होना है। जब आप दूध से पनीर बनाते हैं तो उसके अंदर कैसिन प्रोटीन होती है, और जो नीचे पनीर का पानी बच जाता है उसके अंदर वे प्रोटीन होती है। जो BCM7 नाम की प्रोटीन है, ये कैसिन प्रोटीन की चेन के अंदर होती है, वे प्रोटीन की चेन के अंदर नहीं होती। तो इसलिए अगर आपको बहुत दूध पीने का या दूध से बने पदार्थ खाने का शौक हो ही, तो फिर आप पनीर के पानी का सेवन कर सकते हैं। उसके अंदर BCM7 नाम की प्रोटीन नहीं होती। BCM7 प्रोटीन को हमारा शरीर इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ये हमारे शरीर को बहुत परेशान करती है, जिस वजह से हमको आगे चलकर मर्दाना कमज़ोरी और ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मेरे विचार में जो श्रीमान विराट कोहली जी ने ये फैसला लिया है, ये बिल्कुल सही है, ये फैसला उनका गलत नहीं। आप भी अगर आपके पास गीर या साहिवाल गाय का या और किसी देसी हिंदुस्तानी गाय का दूध अवेलेबल है तभी दूध पिए। अगर आपके पास हाइब्रिड गाय का दूध ही अवेलेबल है तो उसको पीना कम करें, कभी कभार पी सकते हैं अगर आपको पीने का शौक हो, लेकिन ज़्यादा नहीं पिए। यही मेरा विचार है, यही मेरा मत है। बहुत लोग इससे सहमत नहीं भी होंगे, वो उनकी मर्ज़ी है। जो मुझे सुनते हैं वो मुझसे सहमत होंगे। तो आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।